आपके साथ हैं जो सुभाष नगर दिल्ली से हमारे पास आए हैं। आपकी उम्र है 35 साल जी, और ये तकलीफ आपको कब से सुन? ये 2012 से तो इनको रोड एथराइटिस हो गया था, पता चल गया था जी। कैसे, सबसे पहले क्या हुआ, कहाँ दर्द हुआ? सबसे पहले तो ये उंगली में हुआ था। अच्छा, ना। तो आपने टेस्ट कराया तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस पता चल गया जी। फिर आपने कोई इलाज शुरू किया? करा था जी, वो ऑर्थोपेडिक से करा था, गठिया वाले से नहीं करा था। अच्छा, 2020 के बाद इसमें पूरा कट कट बोलने लगा। अच्छा, और उसके बाद फिर मैंने जो रूमेटॉइड डॉक्टर होते हैं उन्होंने सुई लगाई थी, रूमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं जी जी, उन्होंने सुई लगाई थी। अच्छा, तो फिर मैं 3-4 महीने चला था। तीन साढ़े तीन महीने चला था। ठीक है, तो उसके बाद फिर चलने के बाद तो आप फाइनेंशियल तकलीफ भी समझ सकते हैं पेशेंट की, कि ये गाड़ी चलाते थे या बिल्कुल काम बंद हो गया है और साथ में तकलीफ है जिसका इलाज कराना है और ऑपरेशन आप समझते हैं कि महंगे होते हैं। तो हमें पेशेंट को और फैमिली को पूरा समझना होता है कि पेशेंट किस तकलीफ से गुजर के हमारे पास आया। पैर भी पतला पड़ गया थोड़ा जी, बहुत ही तो बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, सो भी नहीं पाते हैं ढंग से और रोज़ दर्द की दवाई लेते हो? हाँ, दर्द की दवाई तो। पेशेंट इज ऑन पेन किलर जिसके वजह से पेशेंट को साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम सोनू को जल्दी से जल्दी इस दर्द से राहत दिलाएं ताकि ये अपने आप चल सकें, और मैं चाहता हूं कि महीने के बाद ये अपना काम भी शुरू कर पाएं और दवाइयों से छुटकारा मिल जाए, सबसे बड़ी बात है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे। आज हम सोनू का MIS टेक्निक से सिरेमिक ऑन पॉली नॉन सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं लेफ्ट साइड का। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। राइट लेफ्ट लेग में इतना पेन और स्पैज्म है कि पेशेंट टांग को सीधी ही नहीं कर पा रहा, तो दूसरे पैर पर सपोर्ट दे के इस तरह से चलते हैं और इसी वजह से वो सीधा भी नहीं लेट पाते हैं बेड में, तो करवट से ही सोते हैं। आइए एक बार फिर, एक बार खड़े होने की कोशिश करो, पैर नीचे रख के, नहीं जाएगा। आ जाइए। कितना डिसेबलिंग हो सकता है एक सिंपल आर्थराइटिस हेड। हर स्टेप के बाद वो हील को, मतलब आप इसको यहाँ से सपोर्ट दे रहे हो जी। हाँ, तो हर स्टेप के बाद सोनू यहाँ टच करते हैं दूसरे पैर पर ताकि ये हिले ना और इसमें दर्द ना हो। आइए वापस चलिए। एग्जामिनेशन में जो पहली चीज है वो आप देख सकते हैं कि इनका पैर हमेशा ऐसे मुड़ा रहता है, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। 45 डिग्री ऑलरेडी इसमें इतनी डिफॉर्मिटी है, इसको सीधा करने की कोशिश करें, करो नहीं। दर्द हो जाता है, झटका लग जाता है। ठीक है, तो अगर इसको सीधा करेंगे तो इनकी कमर उठ जाती है। हम कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि बहुत पेनफुल है। रोटेशन देख लो, रोटेशंस भी बिल्कुल नहीं है, पूरी बॉडी मूव कर रही है इनकी। घुटने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इससे यहाँ खिंचता है पूरा। ये जी 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 जी, तो अगर हम जरा भी कोशिश करें तो एकदम पेन की वजह से पेशेंट पैर को वापस पुल कर लेते हैं। पैर की उंगली चलाओ, ये चलाइए, बाकी और किसी जोड़ में तो आपको दिक्कत नहीं है? कोई जी, सभी जोड़ में थोड़ी इसमें चलता है सही। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ये एटिपिकल केस है। आमतौर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये जॉइंट पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें लार्जर जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। रिस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इनको, और किसी जोड़ में, गर्दन में, कंधों में? गर्दन में दर्द नहीं है, होता है दर्द, होता है यहाँ पे पीछे। हाँ, पर गर्दन घुमाने में कोई दिक्कत नहीं है जी। जी, सांस लेने में कोई दिक्कत? सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप सोते हो, आप कह रहे थे कि मैं सीधा नहीं लेट पाता, तो कैसे सोते हो? यहाँ दो तकिया रख लेता हूँ। हाँ रखो, वो पिलो दे दो। जैसे ये पिलो आपने लिया तो ऐसे लगा के सोते हो, तो इस तरफ नहीं सो पाते, तो ये एक ही पोस्चर है सोने का जी। कोई याद आई सुनता हूँ जी। जी, सोनू
का सर्जरी से पहले का ये एक्सरे देख रहे हैं आप, दोनों में बिल्कुल डिफरेंस देख सकते हैं राइट और लेफ्ट में। पहली चीज़ है कि हेड बहुत बड़ा हुआ है, ये देखिए पूरा, जिसको कहते हैं मेगा हेड जिसको कहते हैं, कंपेयर करें राइट साइड से तो ये बिल्कुल राउंड स्मूथ एक छोटा हेड है, ये बहुत बड़ा है और ये इररेगुलर भी है, यहाँ बोन्स बढ़ गई हैं। दूसरा डिफरेंस है कि जॉइंट स्पेस ख़त्म हो गया है, बॉल और सॉकेट के बीच में जो स्पेस है बहुत ही हार्डली विजिबल है, नॉर्मली इस तरह का स्पेस दिखाई देना चाहिए और ये मूवमेंट्स बहुत कम हो गई हैं, पेनफुल हो गई हैं। दूसरी चीज़ अगर आप लेग देखें, ये लेग बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन ये लेग बाहर की तरफ है क्योंकि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, ये ज़मीन पर पैर नहीं रख सकते हैं दर्द की वजह से, तो इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। ये सर्जरी के बाद का एक्सरे है, इसमें आप देखेंगे कि हमने एक नॉन सीमेंटेड कप यूज़ किया है जिसमें, तो इसमें हमें सॉकेट में स्क्रू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बोन क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसी तरह से फीमर की भी बोन क्वालिटी अच्छी थी, तो हम एक नॉन सीमेंटेड विदाउट स्क्रू एक हमने इम्प्लांट यूज़ किया है, सिरेमिक नॉन सीमेंटेड। थोड़ा सा आप देख सकते हैं पेल्विक टिल्ट है स्पैजम की वजह से क्योंकि इनको फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी रही है, तो धीरे धीरे जैसे स्पैजम रिलैक्स होगा पेल्विस वापस स्क्वेयर हो जाएगा एंड ही इज़ ऑलरेडी वॉकिंग विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, इनका फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी भी करेक्ट हो गया है और ये वेट बेयरिंग, फुल वेट बेयरिंग चल रहे हैं विदाउट सपोर्ट। ये जो कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं पेशेंट के एक्टिविटीज़ में, इसका कारण है MIS टेक्निक और हमें खुशी है कि सोनू जैसे हज़ारों पेशेंट इस टेक्निक का फ़ायदा उठा रहे हैं और AVN, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब की वजह से ये पेशेंट ऑलमोस्ट हैंडीकैप्ड हो जाते हैं लेकिन सर्जरी के बाद ये नॉर्मल लाइफ में वापस आ रहे हैं और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पा रहे हैं। जोन के एग्जामिनेशन में सबसे पहली चीज़ है लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये पैर पहले इनको मोड़ के रखना पड़ता था, सीधा नहीं रख पाते थे हमेशा, इनको फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में रहता था। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट है, नॉर्मल है, तो इनकी मूवमेंट्स देखते हैं लेफ्ट साइड की जिसकी सर्जरी की है, फ्लेक्शन ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, रोटेशन बिल्कुल फ्री हैं, पहले ये मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं थी इनकी, तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। हालांकि 6 हफ्ते हो गए हैं, डिले इसलिए है कि सोनू को प्रॉब्लम थी थोड़ी, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स थी क्योंकि इन्होंने पहले जो सर्जरी से पहले कुछ स्टेरॉयड भी लिए थे, इनकी इम्यूनिटी लो थी, उसकी वजह से इनकी वुंड हीलिंग में हमें प्रॉब्लम आई। ये उन पेशेंट्स के लिए लेसन है जो सर्जरी से बचने के लिए स्टेरॉयड लेते हैं या कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हमें पता नहीं होते हैं। तो सोनू को जो रिकवरी में स्लो हुआ है, जो लंबा टाइम लगा है, वो इसीलिए लगा है कि इनकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज थी बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड्स। ऑल राइट, अगर हम मूवमेंट्स ये वाली देखें, अबडक्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट 45 डिग्री अबडक्शन है, घुटने मोड़िए दोनों, कमर उठाइए, वेरी गुड, आप देख सकते हैं मसल पावर उठाइए, ऐसे कोई दर्द, ठीक है सीधा पे बिल्कुल, बहुत अच्छी मूवमेंट है, कोई पेन नहीं है, हालांकि अभी भी थोड़ी वेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी दिनों से इस पैर को यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं वे चल रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मसल्स भी नॉर्मल आ जाएंगे। तो हम सोनू के साथ हैं हिप रिप्लेसमेंट के 6 हफ्ते के बाद, यानी 1.5 महीने के बाद आज ये फॉलोअप के लिए आए हैं और इनकी मूवमेंट्स काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं, काफ़ी अच्छे से अब ये चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी है चलने में, पेन भी नहीं है। तो सोनू, आपको लोगों ने पहले बताया था कि सर्जरी के बाद आपका भी ठीक नहीं हो पाओ कहा, लेकिन फिर भी आपने सर्जरी कराई जी, तो आपका फैसला कैसा रहा? फैसला रहा बहुत बढ़िया रहा, खुश हो? हाँ जी। तो जैसे पहले तो मुझे लगता है आप घर पे ही रहते थे, ज्यादा बाहर नहीं जा पाते? मैं 11-10 महीने से घर पे ही था। घर पे थे जी। अब थोड़ा बहुत ड्राइविंग वगैरह शुरू किया? ड्राइविंग स्कूटी चलाता हूँ। अभी स्कूटी चलानी शुरू? पहले तो मुझे लगता कार भी नहीं चला पा रहे थे। नहीं नहीं,
पेशेंट डरते रहते हैं, फाइनेंशियल दिक्कत भी होती है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी हर्डल्स होती हैं इससे पहले कि पेशेंट को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाए। लेकिन जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। पेशेंट का जो एक पर्सनैलिटी है, जो कॉन्फिडेंस है, जो लाइफ में आगे काम करने की इच्छा, वो दोबारा से वापस आती है। और हमारा और हमारी टीम का यही एफर्ट है हमेशा कि हम अपने पेशेंट्स को जो तकलीफ में आते हैं, जो इंडिपेंडेंटली बाथरूम तक भी नहीं जा पाते हैं, वो आज जैसे सोनू आज हमारे पास आए, अकेले आए हैं। जब ये पिछली बार सर्जरी के लिए आए थे तो पूरा फैमिली इनके साथ में आए थे, क्योंकि अकेले आ ही नहीं पाते थे। तो सोनू थैंक यू कि जी आपने हमें मौका दिया आपके साथ काम करने का, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत काफ़ी कोऑपरेटिव पेशेंट हैं। जब भी इनको हमने जब भी बुलाया, जब भी इनसे जो एक्सरसाइज इनको बताई गई, इन्होंने सब टाइम से की है और उसी का रिजल्ट है कि आज ही इज़ डूइंग वेरी गुड। थैंक यू।